हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे एक केक, छोटा छोटा केक बनाएंगे। उसके लिए एक मुट्ठी चावल 3-4 घंटा भिगा के रखे थे, भीग गया है अच्छी से। इसको पीसना होगा। इसके लिए चाहिए एक मिक्सर जाल। अब इसी में चावल डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल इसमें सारे डाल दिया है। आप डालेंगे छोटा चम्मच का 1 चम्मच सूजी। इसको पीसना होगा। अब इसको अच्छे से पीस लिया है, एक स्मूथ सा पीस बन गया है। अब इसके बोल में डाल लेंगे। अब एक बोल ले लिया है, बोल में डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से स्मूथ सा पीस बन गया है। इसको अच्छी से मोच माच के ले लेती हूँ। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच करीब, इसमें भी बड़ा चम्मच का 2 चम्मच करीब मैदा है, इसमें डाल देंगे। अब डालेंगे थोड़ा सा चीनी, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा ईस्ट। ये सब डाल के इसको अच्छी से मिला लेंगे। अब इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए इसको रखेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए इसको ढककर रख देंगे। ये जो 20-25 मिनट रख दिया था, अब देख सकते हो कितना फूल गया है। अब इसमें आप देख सकते हो कितना फूल फल के गया है। अब इसको थोड़ा एक काठी से हिला लेंगे ऐसे ही। आप डालेंगे इसमें 1 चम्मच करीब तेल डाल के इसको अच्छी से मिलाएंगे। इसको अच्छी से हिलाएंगे। अब इसको हटा देती हूँ। अब ले लेती हूँ इस तरह का डोनर बनाने का। एक ये है मेरे पास, ये है, मैं इसी में ही बनाऊँगी। आपके पास कटोरी हो, वो प्याली हो, कुछ भी हो, देखे बना सकते हो। मैं इसी में ही बनाएंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, बुरुस कर देंगे ताकि जल्दी उठ जाए। अब इसी में 1-1 चम्मच लेके डालेंगे इस तरह। अब सारे डाल दिया है। अब इसको हटा देती हूँ। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चेरी देके सजा देती हूँ। आपके पास जो हो उसी में बादाम, काजू, कोई भी चीज़ हो तो डाल देना, थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में। सारे सजावट कर दिया है। अब जाएगा चूल्हा के पास। अब कढ़ाई में पानी डाल के एक प्याली डाल दिया है, और ये भी बड़ा है, बराबर में आ गया है। अगर गिर जाए तो प्याली रुक लेंगे। इसको 10 मिनट इसको स्टीम कर लेंगे ढककर। अब 10 मिनट हो चुका है, खुल के देखती हूँ। और इधर लग गया है प्लेट थोड़ा साइड में, कढ़ा
कड़ा से भी बड़ा है, इसीलिए अरे लग गया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही फूला फूला केक बने हैं। अब देख सकते हो एक टूथपिक से हम चेक किया है, इसमें कुछ नहीं आया, इसके मतलब ये हो गया है। तो इसको चूल्हा बंद करके उतार लेती हूँ। अब देख सकते हो कितना आसानी से, ना तेल का झंझट ना कोई चीज़ का झंझट, सादा बन गया है, बहुत ही अच्छा। अब इसको उतार के ठंडा करके दिखाती हूँ। अब देख सकते हो दोस्तों कितना फूला फूला केक बने हैं, छोटा छोटा, कम ही सामान में खाने का लायक भी हो गया, कितना फूला भी है। और इसको एक चाकू का सहारा एक एक करके उठा लेती हूँ। कितना सुंदर उठ गया है, इसको रख देती हूँ इस तरह। ये भी बहुत अच्छा से उठ गया है। अभी बरसात का टाइम है, तेले भाजा कोई भी चीज़ अगर खाओगे तो बीमार। अभी ऐसे ही सफ़ेद सफ़ेद बना लिया करो, चाय के साथ खा लिया करो। अभी उठा लिया, अभी उठा लेती हूँ। वो भी आराम से उठ गया। दोस्तों ये है हमारे छोटा छोटा केक, केक कहो केक, पिठा कहो पिठा, जो भी कहो, खाने में बहुत ही टेस्टिंग, बहुत ही लाजवाब। ज़रूर एक बार बनाना, और बहुत ही आसान, कम सामान से बन भी जाएगा और खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा लगे ज़रूर एक लाइक करना। दोस्तों इसको तोड़ के भी दिखा सकते हो ऐसे ही, कितना ये बना है नरम मुलायम। अब देख सकते हो एकदम खाने का लाजवाब है, कबर इस तरह बना है। अगर रेसिपी अच्छा लगे ज़रूर एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ज़रूर बनाना, खाना बहुत ही अच्छा लगेगा, चाय के साथ चटपट बन भी जाएगा। बरसात का टाइम है, ज़रूरी नहीं है तेल का, तेल से ही सारा चीज़ बना लो, ऐसे ही सफ़ेद सफ़ेद बना लो, बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। अब देख सकते हो कैसे बना है, एकदम हल्का फुल्का, खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा लगे ज़रूर एक लाइक करना, और मेरा चैनल पर नया है तो एक सब्सक्राइब भी कर देना। जब नया नया वीडियो डालेंगे आपके पास तुरंत चला जाएंगे। और खुश रहना, मुस्कुराते रहना। अल्लाह हाफिज़।